आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि टैली प्राइम की लाइव क्लास आज 7 बजे से स्टार्ट होगी और डेली चलेगी, यानी कि 7 बजे से ही डेली क्लासेस चलेंगी टैली की, ठीक है। तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कहीं जॉब के लिए जाना है तो वहां पर भी आपको काफी आसानी होगी अगर इस वीडियो से जुड़ते हैं, इस हमारे लाइव क्लास से जुड़ते हैं तो, ठीक है। तो लाइव क्लास से जरूर जुड़िए टैली के। और 8:30 बजे से एक्सेल की क्लास होगी, तो जो लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं वो 8:30 बजे शाम को जुड़ सकते हैं, और 7 बजे से टैली की क्लास चलेगी तो आप 7 बजे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको पेरोल नहीं आती है, ऐसी स्थिति में सैलरी देना हो तो कॉस्ट सेंटर का यूज कैसे हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम कि कॉस्ट सेंटर को चालू ही कैसे करेंगे। चालू करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, एक की होती है F11, उसको प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और इससे भी पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये देखिए, ये जैसे ही F11 प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर अकाउंटिंग सेक्शन के अंदर, ये जो अकाउंटिंग सेक्शन दिख रहा है इसके अंदर मेंटेन अकाउंट्स है, इनेबल बिल वाइज एंट्री है, और यहाँ देखिए इनेबल कॉस्ट सेंटर आ रहा है ना, ये कॉस्ट सेंटर को आपको यस कर देना, ये यस कर देंगे और कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है। अब फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए आपको सैलरी देनी है और आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो हम कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, हम सैलरी दे रहे हैं तो वो हमारा क्या है, खर्चा है, तो हम पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करते हैं एक बार, तो ये पेमेंट वाउचर है, ठीक है। हम चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री पास कर सकते हैं, ये तो डबल एंट्री मोड है, लेकिन चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी हम एंट्री पास कर सकते हैं। कैसे आएंगे सिंगल एंट्री मोड में, F12 की प्रेस करके, देखिए यहाँ दिया हुआ है यूज डेबिट क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट इंस्टेड ऑफ 2/Buy, तो आप इसको चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, नो कर देंगे और कंट्रोल ए करेंगे, देखते हैं क्या सीनेरियो आ गया, इस तरह का सीनेरियो आया, लेकिन अभी भी ये डबल एंट्री मोड में है, तो यहां से चेंज मोड पे जाके और ये सिंगल एंट्री मोड में जाकर के एंटर कर देंगे, तो ये आ गए। अब यहां पर एंटर करके आते हैं, यहां पर हम लगाएंगे कैश का लेजर, कैश का लेजर तो बनता ही नहीं है आपको पता है, आप चाहे तो बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, कैश का लेजर लगाना है, ये लगा दिया, और अब उन लोगों की लिस्ट आपको बनानी है जिन लोगों को आपको सैलरी देना है, ठीक है। क्या देना है, सैलरी, सैलरी का लेजर हमने क्रिएट किया, ये देखिए ये जो सैलरी है इसका लेजर क्रिएट किया। अब मान लीजिए 50,000 रुपए कुल मिलाकर के सारे कर्मचारियों को 50,000 हम सैलरी दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आ रहा है, ठीक है, तो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में क्या डालेंगे, किन किन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है उन लोगों के नेम यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर पहले से कुछ नाम है, चलिए हम न्यू नाम यहाँ पे लेके आते हैं, क्रिएट पे चलेंगे। अगर आप पहले ERP9 यूजर हैं तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस करके भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ युवराज, ये पहला नाम आ गया युवराज, एंटर करेंगे, ठीक है। अब इनको कितनी सैलरी जा रही है, जैसे मान लीजिए इनको जा रही है 15,000, ठीक है, ये 15,000 हो गया। अब इसके बाद गौरव है, तो गौरव बनाना पड़ेगा, अब यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा, देखिए लिख रहा है नहीं लिख रहा है, तो आप अल्ट सी कर दीजिए यहाँ से और यहाँ लिख दीजिए GAURAV गौरव। अब दूसरी सैलरी गौरव को जा रही है, अब कुल मिला के इनकी सैलरी कितनी है, इनकी है 20,000, ठीक है, तो ये 20,000 हो गया, ठीक है। और अल्ट सी करके एक और बना लीजिए, यहाँ पे फातिमा एक और लिख देते हैं, एक नाम कोई भी इस तरह का, ठीक है। अब इनकी 15,000 है, तो ये हो गया 50,000 का एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर जाकर के सैलरी पेड PAID ये हो गया, एंटर करके, ठीक है, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, बस ऐसे ही करना है, ठीक है, कॉल सेंटर यही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका और भी चीजों में यूज कर सकते हैं, ठीक है, थीके?